बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर्स, आई एम बैक। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेव, सेव एज और ओपन। ठीक है व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। व्यूअर्स, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेव, सेव एज और ओपन। ठीक है, एक फाइल को हम किस तरह सेव करते हैं, उसके बाद सेव एज से क्या मुराद है। देखें, एक है सेव और दूसरा है सेव एज, और नंबर 3 पे है ओपन। ठीक है, यानी कि पहले से हमारी सेव शुदा फाइल, जिस फाइल को हमने महफूज किया है, उसको ओपन किस तरह करते हैं। ठीक है, तो व्यूवर सबसे पहले जो है हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं। व्यूअर्स, देखिए, इस फाइल में हमने जो है वो टाइपिंग की है, तो अब हम क्या चाहते हैं कि इस फाइल को हम सेव कर लें। ठीक है व्यूअर्स, तो हम यहाँ पे व्यूअर्स क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमारी जो ऑप्शन है वो सेव की है। ठीक है व्यूअर्स, तो हम इसको सेव करते हैं। ये हमने इस पर क्लिक किया। देखिए व्यूअर्स, जैसे हमने सेव करने का कहा उसे कि इसे सेव कर दो, तो एक जो है हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, एक छोटी सी विंडो ओपन हुई है। इस विंडो में हमसे वो पूछ रहा है कि फाइल नेम, कि आप फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं। फिर वो पूछ रहा है सेव एज टाइप, ठीक है, कि इस फाइल की जो आप सेव करना चाहते हैं किस टाइप में हो, आप यहाँ पे क्लिक करें। देखिए व्यूवर, ये उसने टाइप्स बता दी है, आप जिस टाइप में इसे सेव करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही इसे सेव करना है, हम उसमें सेव कर सकते हैं। अगर व्यूअर्स आपके किसी दोस्त को आपने ये फाइल देनी है और आपके दोस्त के पास जो है वो 2010 ऑफिस नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर वो क्या करेगा कि 2003 के अंदर जो है इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देगा। तो अगर आपके दोस्त के पास ऑफिस 2003 है, तो आपकी ये फाइल 2003 में सेव हो जाएगी, तो उसके सिस्टम में जाकर ओपन हो सकती है। मैं आपको यहीं पे एक बात जो है अच्छे तरीके से बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट 2010 की डॉक्यूमेंट की फाइलें जो होती हैं वो ऑफिस 2003 में नहीं ओपन होती। ठीक है व्यूवर्स, किसमें? ऑफिस 2003 में नहीं ओपन होती। इसके लिए जरूरी है कि आप जब इसको सेव करें, तो उसके लिए अगर तो आपके पास ऑफिस 2010 है, तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट में ही इसे सेव कर दें। अगर किसी और को आपने फाइल देनी है जिसके पास 2010 ऑफिस नहीं है, तो वो क्या करें कि इसे 2003 में सेव करें। ठीक है, तो इससे ये चीज साबित होती है कि जो अपर वर्जन होते हैं वो लोअर वर्जन में नहीं खुलते, यानी कि जो अपर वर्जन सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी फाइलें लोअर वर्जन में नहीं खुलती, लेकिन ऑफिस 2003 की तमाम फाइलें ऑफिस 2010 में खुल सकती हैं। ठीक है, तो इससे यह भी साबित होता है कि जो हमारे लोअर वर्जन होते हैं वो अपर में खुल सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो हम जो है इसी टाइप में सेव करेंगे। इसमें देखें ये सारी टाइप्स हैं, आप किसी भी टाइप में सेव कर सकते हैं, लेकिन हम अभी हम इसी में सेव करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, देखिए हमने इसमें सेव करने के लिए, अब वो हमसे नाम पूछ रहा है, हम जो है ये नाम लिखा हुआ है, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आगे हम लिख देते हैं फाइल। ठीक है व्यूअर्स, आगे हमने लिख दिया फाइल, आपकी मर्जी है, आप इसमें कोई भी नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने से पहले आप इस चीज का ख्याल रखिएगा कि ये किस टॉपिक की फाइल है। देखिए, अगर आपने बुक बनाई है तो आप उस बुक का नाम रखेंगे कि ये इसके लिए, अगर आप एम्प्लॉयमेंट लेटर बना रहे हैं किसी का तो उस एम्प्लॉय का नाम लिख देंगे, अगर आप सैलरी शीट बना रहे हैं तो उसका मंथ वगैरह, जब भी कोई नाम रखना चाहें तो इस तरह का रखें कि आपको ढूंढने में आसानी और आपको पता हो कि ये किस तरह की हमारी फाइल है। ठीक है व्यूवर्स, ओके, जैसे अगर आप लेटर वगैरह हैं तो आप लेटर्स लिख सकते हैं, नदीम के लिए लेटर है, ये फहीम के लिए लेटर है, ये नवीद के लिए लेटर है, लेटर फॉर नदीम, फहीम, सो एंड सो। ठीक है व्यूवर्स, ताकि आपको आसानी रहे उसे फाइल को ओपन करने में। ठीक है, तो अब हम व्यूवर इसे देखें, ये सेव बटन जो है इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है व्यूवर, इस वक्त ये हमारी फाइल जो है व्यूवर सेव हो चुकी है। ठीक है, हमारा जो था दूसरा वो ये पॉइंट था सेव एज क्या होता है। ठीक है, सेव एज मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ओपन बता देता हूं कि ओपन जो है वो क्या काम करता है, हम फाइलों को किस तरह ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस फाइल को हम बंद करते हैं। देखें, इस क्रॉस से भी आप इसे बंद कर सकते हैं व्यूवर्स, यहां से क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां से क्लोज करते हैं। ठीक है व्यूवर, ये देखें, ये जो हमारी फाइल इस वक्त क्लोज हो चुकी है। ठीक है, यानी
अब हम फाइल को दोबारा ओपन करना चाहते हैं, उसे व्यू करना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, तो हम फिर फाइल पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास ओपन की ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है व्यूज, देखिए हमसे वो फिर पूछता है कि ये फाइल जो है, आप एक विंडो अपीयर हुई है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसे ओपन करेंगे। ये देखिए व्यूअर, वही हमारी जो फाइल है वो देखिए यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ठीक है व्यूअर, हम इसमें जो है अगेन काम करते हैं। आई लिव इन कराची, ये देखिए इसमें हमने काम किया। अब हम इसको अगेन सेव करते हैं व्यूअर्स। ठीक है व्यूअर, सेव करने के बाद क्लोज कर देते हैं। ये देखिए हमारी फाइल जो है व्यूवर्स इस वक्त क्लोज हो चुकी है। अच्छा, अब हम अगेन इसे ओपन करते हैं। देखिए ये हमारी फाइल है, आप सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसे ओपन करेंगे। ठीक है व्यूवर्स, ये हमारे पास फाइल ओपन हो गई। यानी आज आपने सीख लिया कि फाइल को सेव किस तरह करना है और फाइल को ओपन किस तरह करना है। तीसरा जो हमारा पॉइंट था वो था सेव एज। ठीक है, अब व्यूवर मैं आपको बता दूं कि देखें सेव और सेव एज में पहले मैं आपको फर्क बता दूं क्या है। देखिए जो फाइल करंटली आपके पास ओपन होती है, आप उसे सेव कर देते हैं तो वो फाइल सेव हो जाती है, जितना आपने डाटा लिखा होता है वो उसके अंदर महफूज हो जाता है। जब हम इस्तेमाल करते हैं सेव एज ऑप्शन, देखिए सेव एज ऑप्शन का मतलब होता है कि इस जैसी एक और फाइल बना दो। ठीक है व्यूअर, यानी कि जो हमने ऑलरेडी फाइल बनी है, जैसे हम सेव एज करते हैं वो उसकी हूबहू कॉपी बना देता है हमारे पास। ठीक है, तो हम करते हैं कि किस तरह, तो स्टार्ट करते हैं कि वो किस तरह कॉपी बनाता है। देखें व्यूवर्स, ये देखें व्यूवर्स, ये लिखा हुआ है सेम। ठीक है, आप देख लें तीन लाइनें हमने लिखी हैं। अब हम इस पे क्लिक करते हैं, सेव एज पे देखें हम क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक किया, सेम उसी तरह विंडो हमारी ओपन होती है, वो हमसे फाइल नेम पूछता है, हम इसको जस्ट लिख देते हैं टू। ठीक है, यानी दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल टू। देखें ये जो है वन थी, ये हमने इसका नाम लिख दिया टू। अब हम इसे सेव करते हैं। ठीक है व्यूवर्स, आप देखें यहाँ पे भी नाम जो है वो आ गया है, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल टू। अच्छा, अब व्यूवर्स अब हम चेक करते हैं कि इसने कैसे किया, इसे ओपन करें। देखें व्यूवर्स हमारे पास दो फाइलें आ गई, एक ये फाइल एक ये फाइल। अब हम इसको खोलते हैं ओपन। ये देखें व्यूवर्स, एक ये हमारे पास फाइल है, ये आप इसका नाम देखें, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। ठीक है, और एक जो है अभी हमने दूसरी फाइल ओपन की थी। ठीक है व्यूवर्स, ये वाली, ये देखें टू। देखें व्यूवर्स, ये सेम है हमारी फाइलें। ये देखें व्यूवर्स, आप यहां से भी देख सकते हैं, एक ये फाइल है एक ये फाइल है, दोनों सेम फाइल है। ठीक है व्यूवर्स, अब हम इसको आपको इस तरह भी करके दिखा देते हैं। ये देखें व्यूवर्स, मैं इन दोनों फाइलों को आपके लिए सेट कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए इसका कॉन्सेप्ट कि ये दो फाइलें हैं और दोनों सेम हैं। देखें व्यूवर्स, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल टू। ठीक है, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। देखिए दोनों में सेम डाटा है, हमने सेव एज कहा था कि इस जैसी एक और फाइल बनाओ। अच्छा, इसी को हम एक तीसरी फाइल भी बना सकते हैं। देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं, सेव एज। ठीक है व्यूअर्स, इसको हम थ्री का नाम दे देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, सेव एज। अच्छा, इस फाइल को व्यूअर्स हम ओपन भी करते हैं। ये देख रहे हैं आप, देखें व्यूअर्स यहां पे भी तीन फाइलें बन चुकी हैं, वन फाइल टू फाइल और थ्री फाइल। ओपन करते हैं, ये देखें व्यूअर्स, अब हमारे पास आप देखें तीन फाइलें हमने बना दी। देखिए फाइल नंबर वन, फाइल नंबर टू, फाइल नंबर थ्री। और अगर आप इनमें डाटा देखें तो देखें सेम है। देखें, देख रहे हैं व्यूवर्स, ये डाटा हमारे पास बिल्कुल सेम है। सेव जो होता है वो इस फाइल में हम जो कुछ लिखते हैं उसे सेव करते हैं, वो उसी फाइल में उसी टाइटल के साथ सेव कर देता है। लेकिन सेव एज में वो हम जैसे ही उसका टाइटल चेंज कर देते हैं तो उसको वो एक और नई उसकी कॉपी बना देता है। ठीक है व्यूवर्स, और ओपन कमांड क्या करती है, जो आपकी एग्जिस्ट फाइल होती है उसको ओपन कर देती है, आप इजीली जो है उसे खोल सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, आई थिंक सो के आपको इसकी समझ आ गई होगी, मैंने काफी डिटेल में आपको बताया है कि ओपन सेव सेव एज क्या काम करते हैं व्यूवर्स।
इसी के साथ व्यूवर्स मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।